नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कलर्स ग्रो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत होता है और उस पर जो फूल आते हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया फूल गुच्छे में फूल आते हैं। दोस्तों, इसको आप किसी भी पॉट में ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो हाइट होती है 3 से 4 फीट तक हाइट रहती है। दोस्तों, इस पौधे का नाम है लेगोस्ट्रीमिया इंडिका, इसे हम सावने के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे को ग्रो करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ गार्डन की सॉइल, जिसमें मैं ऑलरेडी काउडंग मिला चुका हूँ। अब इसे अच्छी तरह से क्रश करने के बाद इसे मैं पॉट में फिल कर लूँगा। दोस्तों, आपने पॉट में मिट्टी फिल करते वक्त ये ध्यान देना है कि इसमें कोई कंकर वगैरह ना हो। दोस्तों, ये जो पौधा है ये दिखने में काफ़ी डेकोरेशन वाला पौधा है क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ काफ़ी ग्रीन रहती हैं और उस पर जो फूल आते हैं गुच्छे में फूल आते हैं, और जब ये पौधा 1 से 2 फीट का हो जाता है तो ये फूलों से पूरा लग जाता है। और ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसे कोई इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने इसे बस पानी वगैरह का ध्यान रखना है ताकि इसकी सॉइल वगैरह सूख ना जाए। इसे आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। जो मैं पौधा लाया हूँ नर्सरी से, इसे नर्सरी वालों ने कटिंग से ही ग्रो किया है। तो चल के मैंने अपना पॉट जो है ऑलमोस्ट मिट्टी से भर लिया है, उसके बाद मैं इसमें जो मेरा पौधा है वो लगा देता हूँ। अभी पेपर को पाड़ने के बाद मैं इसे इसमें लगा दूँगा। दोस्तों, ये पौधा देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है तो मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ कि आप ये पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं। दोस्तों, ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और ये इसकी कीमत 20 से 30 रुपये आपको नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। ये देखें, उन्होंने इसे कटिंग से ग्रो किया हुआ है। अभी मैं इसे सेफ्टी से इसमें लगा देता हूँ क्योंकि रैपर खोलते वक्त मेरे हाथ से इसकी रूट बाल हिल चुकी है। दोस्तों, अभी आपने इसके साइड में मिट्टी डाल देनी है ताकि इसकी जो रूट्स हैं और रूट बाल है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। अभी मैं इसमें अच्छी तरह से मिट्टी फिल कर देता हूँ और इसे अच्छी तरह से कवर कर देता हूँ। इसे कवर करने के बाद आपने साइडों से इसे अच्छी तरह से प्रेस कर देना है ताकि इसमें जो भी एयर पॉक्स बचे हैं वो ख़त्म हो जाए। एयर पॉक्स को ख़त्म करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से वाटर दे देना है, पानी दे देना है ताकि जो पौधा पूरी तरह से मॉइस हो जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके।